दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को, और आज हम डिस्कस करेंगे वो एक वेरी यूनिक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कह सकते हैं जो IRI ने अभी रिसेंटली डेवलप की है। जो IRI का माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन है वहाँ से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। टीम है, उन्होंने एक ऐसी कैप्सूल डेवलप किया है जिसके द्वारा आप जो पराली, जो रेजिड्यू, स्पेशली राइस व्हीट के रेजिड्यू की जो प्रॉब्लम होती है स्पेशली हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, उससे हम निवारण पा सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो कैप्सूल है वो 5 रुपए का एक कैप्सूल आता है, तो ये बहुत ही लो कॉस्ट है। और 4 कैप्सूल, ओनली 4 कैप्सूल इज सफिशियंट फॉर 1 एकर एरिया के लिए। तो आप लोगों को पता ही हो जिस जो कि हम जलाते हैं, किसानों द्वारा जलाया जाता है, उसके बाद जो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो घट जाती है, जो भी हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, वो किल हो जाते हैं, और इस तरह से हमारी जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो जाती है। इसके अलावा भी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो थी जो है पोल्यूशन की। अभी आप जो रिसेंटली न्यूज में देखते होंगे कि जो दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जाता है, वो एक उसके पीछे एक पराली, जो राइस रेजिड्यू का जो बर्निंग है वो एक रीजन। सबसे बड़ी जो फायदा है, जो डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह हैं और उनकी टीम जो बताते हैं कि इस कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको यूज करके आप सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जो भी क्रॉप के रेजिड्यू हैं वो सड़ने के बाद खाद बन जाते हैं, और वो सॉइल की जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है उसको भी ये बढ़ा देते हैं। अप्लाई करने पर जो है बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। अब ये बात करेंगे हम इसको कैसे तैयार करें। 150 ग्राम, 150 ग्राम जो है पुराना गुड़ लेना चाहिए, और फिर बॉयल पानी में इसको बॉयल करना चाहिए, और बॉयल करने के बाद जब इसके ऊपर जो गंदगी हो उसको निकाल, फिर इस गुड़ को ठंडा होने के लिए रख देना चाहिए। फिर इसमें 5 लीटर पानी फिर से मिक्स करना चाहिए। फिर 5 लीटर पानी को मिक्स करने के बाद इसमें 50 ग्राम जो है बेसन ऐड करना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जो कैप्सूल है वो 4 कैप्सूल को खोल के इसमें 5 लीटर के पानी में मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए। और ध्यान रहे कि जब हम यूटेंसिल्स, बर्तन का चुनाव करें, उसका जो मुंह हो उसका व्यास काफी बड़ा होना चाहिए। अब उस बर्तन को आप मिक्स करने के बाद एक गर्म स्थान पे, एक थोड़ा हॉट जो आपका एरिया हो आपके घर का, उस पे वहां पर रख दीजिए 5 दिन के लिए। फिर उस पानी के ऊपर एक तह जम बन जाएगी, और उस तह को आप अच्छी तरह से उसमें मिला दें। किसान भाई इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब आप उस तह को इसको में मिक्स करते कर रहे हो तो उस टाइम पे आप प्रॉपर दस्ताने, ग्लव्स हाथ में दस्ताने, और मुंह पे मास्क लगाए रखें। ये सब करने के बाद जो आपका बन जाता है कल्चर, अब ये रेडी है आपको कंपोस्ट बनाने के लिए, यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और आपको हम बता दें कि ये जो 5 लीटर का आपने कल्चर बनाया है, ये आपके 10 क्विंटल पराली जो होती है उसके लिए सफिशियंट होता है। अब कैसे इस्तेमाल करें, अगर आपकी पराली पूरे खेत में बिखरी हुई है तो उस अवस्था में इसको पानी के साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए, और उसके बाद इसको रोटावेटर के द्वारा मिक्स कर देंगे तो ये जो रेजिड्यू है वो खाद बन जाएगी। और दूसरा मेथड ये है कि आप सिंचाई दे रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ इरिगेशन आप किसी एक खोद में धीरे धीरे इस जो कल्चर आपने तैयार किए हैं उसको डालते रहें, जिसके द्वारा ये इरिगेशन पानी के साथ पूरे खेत में फैल जाएगा, और फिर ये उस क्रॉप के रेजिड्यू हैं उनको सड़ा देगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में आइडिया हुआ, और इस टेक्नोलॉजी को अगर आपको लेना है, इस कैप्सूल को आपको अगर खरीदना है, तो आपको जरूर IARI आना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन में, जहां पर ये कैप्सूल आपको अवेलेबल होगा। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आप लोग इसका फायदा उठाइए और अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर कीजिए। बाय बाय।